गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वॉट अ फूडी गर्ल. आई एम दिशा एंड आई हैव कम टू माटुंगा. आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू माटुंगा फूड. बट डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज़ अ नो साउथ इंडियन एडिशन. बाय द वे मैंने दो वीडियो साउथ इंडियन एडिशन पे बनाया है फॉर माटुंगा. सो क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड यू विल फाइंड द फर्स्ट पार्ट. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी दोनों भी मैंने दिए हैं. एंड दिस इज द फेमस माटुंगा महेश्वरी उद्यान. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल माटुंगा. At one of my favorite cafes in Matunga. Being a Matunga born and brought up, my first place has to be Messy Adda. यहाँ पे उन्होंने जस्ट अभी लाइट लगा दिया. सो ये मैनेजर आकाश आजकल ये वीडियोज में भी आते हैं, पहले नहीं आते थे. एंड अभी आई हैव कम टू ट्राई माई फेवरेट आइटम, दैट इज चिली गार्लिक मैगी. ट्रस्ट मी इट इज़ वन ऑफ अ काइंड. ईयर मैंने ना ये घर पर बनाने की बहुत कोशिश की थी, वो नहीं जमा मुझे. जो मज़ा इनके चिली गार्लिक मैगी में है ना, वो कहीं नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. व्हेन यू कम हियर ट्राई दैट आउट. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग आउट द चिली गार्लिक. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ भाई, इतना टाइम हो गया, टेस्ट सेम टू सेम. बहुत ही मस्त चीज है. इसके साथ कोल्ड कॉफी पेयर करो, आपका लंच हो गया. नाउ वी हियर अप दे हैव स्टार्टेड दिस 149 रुपीस का मेन्यू, जिसमें आपको ये बेबी मोमोज मिलते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वो इतने क्यूट है. देखो इतना छोटा सा मोमो है. They have handmade momos. Like इनका जो शीट से लेके मसाला से लेके everything is handmade. Frozen item कुछ भी नहीं है, fresh बनता है पीछे यहाँ पर. And that is why the momos here taste very yum. बहुत अलग ही, बहुत ज़्यादा. माटुंगा में आपको best momos खाने हैं, माटुंगा दादा सायन में. Nothing can beat Messy Adda for veg momos. Place that we have come to is I Love Food. Yes, ये जगह का नाम I Love Food 2.0 है. ये जगह full time crowded रहता है because it's one of people's and students' favorite place. यहाँ पे आपको Frankies, samosa, Manchurian pav, Chinese, grill sandwich से लेके सब कुछ मिलेगा at a very nominal cost. इनके पास नीचे भी sitting है और ऊपर भी sitting है, but हम bloggers हैं तो हमको थोड़ा light चाहिए तो हम नीचे बैठे हैं. This is their half hakka noodles plate for 80 rupees. मतलब आप क्वान्टिटी देखो, आराम से दो जन खा सकते हैं. इनका ये चाइनीज ट्राई करते हैं. देसी चाइनीज का जैसा टेस्ट है ना वैसा ही है, बहुत बढ़िया. वी आर गोइंग बी ट्राइंग आउट द नूडल फ्रैंकी. यहाँ पे डॉन बॉस्को खालसा कॉलेज वगैरह है ना, इन लोगों को ना ये फ्रैंकी बहुत पसंद आता है. इसका फ्रैंकी का स्टार्टिंग है ना 30-40 रुपीज़ के रेंज में है. बहुत 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 अच्छा फ्रैंकी है इसका. जैसे मैं नहीं बोलती हूँ, अगर बहुत सारे बच्चे लोग भी बोलते हैं. नो वाई आई नो दिस एंड टेलिंग यू सो कॉन्फिडेंटली इज बिकॉज आई एम फ्रॉम माटुंगा. और ये एक्चुअली मेरे एक माना हुआ भाई का है, इज नेम इज राइश कामत. तो जेन्युइनली एक्चुअली मैं इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट एंड क्वालिटी है. सो इफ़ यू वॉन्ट हैव फ्रैंकी यू शुड एक्चुअली कम हियर एंड ट्राई दिस आउट. दिस इज देयर मंचूरियन पाव. अगर आप देख रहे हो ये ऑलरेडी ड्रिप हो रहा है. ओके, इसके अंदर पाव है, फिर शेजवान चटनी, कैबेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिस्पी नूडल्स एंड मंचूरियन.
उन्होंने भी बहुत पसंद आता है, बहुत ही बिजार कॉम्बिनेशन है पर बहुत ज़्यादा यम कॉम्बिनेशन भी है। इफ़ यू नेवर एवर ट्राइड मंचूरियन पाव यू हैव टू ट्राई इट आउट। ऑल डोंट नो माटुंगा में एक फेमस दाबेली वाला है, दिस इज द महाराज दाबेली एंड यहाँ पर इनके पास बहुत सारे वराइटीज ऑफ दाबेली। आई हैव टेकन द कच्ची दाबेली इफ यू कैन सी। सो गुड, मैंने इतने सारे जगह पे दाबेली खाया है, कभी वो बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है, कभी वो स्पाइसी टेस्ट नहीं आता है। दिस इन माई ओपिनियन इज वन ऑफ द परफेक्ट दाबेली आई हैव हैड। इनका गार्लिक पाव इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इट्स जस्ट गार्लिक चटनी अलॉन्ग विथ पाव एंड इट टेक्स यू टू अ गार्लिक हेवन। मस्ट ट्राई व्हेन यू आर हियर इन माटुंगा। गोना बी ट्राइंग आउट द पहाड़ी ग्रिल सैंडविच विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन हेलजूस सेंटर। इसके साथ आपको तीन चटनियाँ मिलती है, वन इज द ग्रीन चटनी, वन इज द गार्लिक चटनी एंड वन इज सॉस, बट आई विल सजेस्ट यू टू हैव इट विद द गार्लिक चटनी इफ यू रियली लाइक गार्लिक। आई एम टेलिंग यू, इसका जो बेस है अंदर का, इट्स चीज, कैप्सिकम, टमेटो, अनियन एंड गार्लिक चटनी, इट्स लाइक टू गुड। दिस इज द ऑरेंज ब्लॉसम, पर्सनली आई रियली एंजॉय दिस। टू गुड ना, ये दो कॉम्बिनेशन दो लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। आई हियर सिंस 41 ईयर्स एंड दिस इज देयर मोस्ट फेमस आइसक्रीम। इनके पास स्लश वगैरह भी है बट मुझे जेन्युइनली ये बहुत पसंद है बिकॉज इसका कवरिंग वगैरह ना कुछ अलग ही, इट्स स्मूथ बेसिकली। लेट्स ट्राई दिस आउट। द कवरिंग लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ एंड यू कैन टेल दैट दिस चॉकलेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिप्स दैट यू गेट, इट्स लाइक टू गुड यार। यू कैन हैव अ वेनिला बेस और अ चॉकलेट बेस, आई प्रिफर चॉकलेट बेस एंड ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और मस्त रहता है यार। दिस कॉस्ट टू अप्रॉक्स 90 rupees एंड इनका स्टार्टिंग इज अराउंड 60 rupees। इफ यू आर इन माटुंगा डेफिनेटली फॉर डेजर्ट्स डू कम हियर। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू मोर ऑफ सच प्लेसेज। माटुंगा बींग माई बर्थ प्लेस, आई हैव सम डिफरेंट वाइब व्हेन इट कम्स टू माटुंगा एंड मुझे ऐसा लगा कि जो मैं पिछले बचपन से खाते आ रही हूँ या दो तीन नए चीजें आई बीन हैविंग सिंस द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम, आई थॉट आई हैव टू शो यू। सो लेट मी नो इफ यू बीन टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, डू कमेंट डाउन एंड लाइक दिस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।